नमस्कार, मैं रीना शर्मा आपका स्वागत करती हूँ साइंस ऑफ कुकिंग में। आज हम बनाने जा रहे हैं शकरकंद का हलवा। ये बहुत ही इजी और झटपट बनने वाला स्वीट डिश है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें शकरकंद चाहिए, इसे हम बॉईल करेंगे। 250 ग्राम मैंने शकरकंद लिया है। 1 कप दूध, चीनी हम थोड़ा ही रखेंगे, स्वाद अनुसार ले सकते हैं आप। मैंने 2 बड़े चम्मच चीनी ली है, किशमिश और छोटी इलायची हरी वाली। पहले हम शकरकंद को बॉईल कर लेंगे छील के। ये बहुत ही इजी है, बहुत ही झटपट बन जाएगा हलवा। मैंने छिलका उतार लिया है और अब हम इसे बॉईल करेंगे। बारीक बारीक काट कर कुकर में डाल देंगे। बारीक बारीक मैंने सारे शकरकंद को काट लिया है और इसमें दूध डाल देंगे और चीनी डाल देंगे। आप शुगर फ्री शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने चीनी थोड़ी ही रखी है क्योंकि शकरकंद पहले ही थोड़ा मीठा होता है। अब हम इसे 5-7 मिनट तक स्टीम करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम देखते हैं शकरकंदी। ये बॉइल्ड हो चुकी है अच्छी तरीके से। अब हम इसे मैश कर लेते हैं। अच्छी तरीके से जब तक ये दूध जल ना जाए इसे हम चलाएंगे और मैश करेंगे अच्छी तरीके से। मैंने इसमें घी नहीं डाला, आप घी डाल सकते हैं। मैंने केवल इसमें दूध डाला है। हमारा हलवा बिल्कुल बन गया है, बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे सर्व करने के लिए एक बाउल में निकाल लेते हैं। इलायची पाउडर डाल देंगे। आप और भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, मैंने केवल किशमिश लिया है। हमारा शकरकंदी का हलवा बिल्कुल बनकर रेडी है दोस्तों। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली न्यू रेसिपी में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें।